आजमगढ़ जिले में फर्जीवाड़े का एक अजब गजब मामला सामने आया है। धनतेरस के दिन खुद को एसडीएम बताकर एक ठग ने मिठाई विक्रेता को 14,000 रुपयों की चपत लगा दी। विक्रेता को जब नुकसान का पता चला तो उसके होश उड़ गए। बता दें कि पूरा मामला आजमगढ़ जिले के जियनपुर बाजार स्थित एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान श्याम स्वीट का है, जहां पर दूर दराज से लोग मिठाई खरीदने आते हैं। धनतेरस के दिन मंगलवार शाम 3 काले रंग के स्कॉर्पियो से ये ठग दुकान पर पहुंचे, अलग अलग प्रकार के 14,000 रुपयों की मिठाई खरीदी। 3 लोगों में से एक ने दुकानदार को खुद का परिचय आजमगढ़ सदर एसडीएम अमित राय बताया। दुकानदार ने भी साहब की खूब आवाभगत की। भुगतान की बारी आई तो कथित एसडीएम ने कैश न होने का हवाला देते हुए 14,000 रुपये का चेक काट दिया और स्कॉर्पियो में बैठकर चलते बने। दुकान मालिक श्यामराज जब चेक को बैंक में जमा कराने गए तो पता चला कि यह चेक फर्जी है। चेक पर भारतीय स्टेट बैंक अकबरपुर जिला अंबेडकर नगर लिखा हुआ है। चेक पर अमित कुमार का नाम अंकित है। अब फर्जी चेक लेकर दुकानदार इधर उधर भटक रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। त्योहार के दिन खुद के साथ हुए फर्जीवाड़े पर उसे भरोसा ही नहीं हो रहा है। इधर इस घटना के बाद जियनपुर बाजार के व्यापारी अब ठगों को लेकर सतर्क हो गए हैं। वहीं ये घटना चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि दुकानदार ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। दुकानदार ने कहा कि हम जियनपुर कोतवाली में फर्जी चेक को लेकर तहरीर देंगे और मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मामला ऐसा है, कल हम मिठाई दिए हैं। किसको? काली गाड़ी से लगाए थे। अच्छा, काली गाड़ी से आए थे, स्कॉर्पियो। हाँ हाँ। और बोले कि हम सगादरी मतलब स्टेडियम एसडीएम। कहाँ का सदर, मतलब सगड़ी का बताया कि सदर का बताया? सदर एसडीएम खुद को बताया। कितने लोग थे? दो लोग थे। दोनों लोग अंदर आए थे दुकान पे? नहीं, एक लोग आए थे मिठाई में और वो गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी कौन सी थी? स्कॉर्पियो काली थी। फिर क्या हुआ दुकान में आपके अंदर आए? आते ही क्या बोला उन्होंने? बोला मिठाई चाहिए। मिठाई चाहिए तो कितना मिठाई ली उन्होंने? वो मिठाई तो मिला के रखे 14,000 रुपये की। हाँ, कौन कौन सी मिठाई लेके गए वो लोग? 10 किलो काजू बर्फी थी, 2 किलो मेवा मीठा था। हाँ, 7 किलो खीर कदम था। हाँ, और 5 किलो छेना मीठा, ऐसे ऐसे करके सब 14,000 की मिठाई ले। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, मिठाई लिया उन्होंने आपसे? हाँ, फिर हमको गाड़ी में बुलाया। अच्छा। हम बोले सर ऐसा है, पेटीएम हमारे पास, पेटीएम कर दीजिए। कह नहीं, कहाँ यार पेटीएम करते हैं, लो चेक काट दे रहे। चेक काट कर तो गाड़ी में बैठे बैठे चेक काट दिया और चेक करके निकल गया। मतलब कितनी देर रुके होंगे आपके यहाँ वो लोग? मिठाई तो एक घंटे पैक हुई। हाँ। उसके बाद आपने क्या किया? मिठाई पैक करके हम लोग बता रहे हैं ना गाड़ी में हमको लोग। नहीं, फिर उसके बाद जानकारी आपको फिर कैसे हुई? फिर मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड है, चेक हम दिखाए दूसरा। हाँ, चेक दूसरा तो सीधे करिए। अमित कुमार, एसडीएम सदर, 8992977181 ये नंबर है। तो आपने नंबर जब दिया उन्होंने तो आपने रिंग करके इस पर ट्राई किया? फिर ट्राई तो नहीं किया, क्या सही होगा? नंबर एक बार लगाइए, ट्राई करिए, देखिए। नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा है? स्विच ऑफ आ रहा है? कुछ पता ही नहीं है, लग ही नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। तो फिर आपने क्या किया उसके बाद? फिर क्या किया, पश्चाताप हो रहा है। मतलब कोई आपने कदम उठाया उसके लिए, पुलिस के पास गए या कोई ऐसी बात? अभी नहीं गए, अभी तक नहीं गए। अभी तक सूचना नहीं दी थाने पर? नहीं, अभी नहीं। कोतवाली थाने पर कहीं सूचना नहीं दी? तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं इसकी जांच हो, हमारा पैसा मिल जाए। धोखाधड़ी हुई है, धोखाधड़ी का मामला है। हाँ, धोखाधड़ी का मामला है, 420 का मामला है।